શહેરના દાંડી રોડ ખાતે માઉન્ટ લિટેરા નામની સ્કૂલ છે. આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેશન કરી આગળ વધવા માટે ખૂબ જહેમત ઉઠાવાઈ રહી છે. અંગે જાણકારી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા ડાયરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર પ્રભાત કૌશિકે જણાવ્યું હતું કે પહેલા અને અત્યારનો સમય અલગ છે. અમે શાળા પરિવાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલા હુનરને શોધી રહ્યા છે. ત્યારબાદ વાલીઓને બોલાવી મીટીંગ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને જેમાં રસ હોય તે માટે આગળ વધવા અને વાલીઓનો પણ સહયોગ મળે તેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થી કઈ રીતે આગળ વધે તે માટે પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. પત્રકાર પરિષદમાં જનરલ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર પ્રભાત કૌશિક, શાળાના ટ્રસ્ટી પ્રેમલ વાંકાવાળા અને રીતેશ દવાવાળા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મેં ડોક્ટર પ્રભાત કૌશિક, ડાયરેક્ટર જનરલ જી લર્ન. देखिए, आज मैं यहाँ दो दिन से सूरत में हूँ और सूरत में मैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल के टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा था और उस इंटरेक्शन में मुझे लगा कि बच्चों के लिए जो सूरत में काम हो रहा है, हमारा अपना स्कूल भी सूरत में है माउंट लिटराजी स्कूल के नाम से, तो बड़ा अच्छा काम स्कूल में किया जा रहा है बच्चों की ग्रोथ के लिए और बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर काफी काम हो रहा है. कल मैंने पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सूरत के पेरेंट्स बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें, और उसके लिए उनका सपोर्ट जो मैंने देखा पेरेंट्स का वो बहुत अच्छा लगा. और स्कूल में भी जो पेडागोजी और जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि सूरत के बच्चों का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है. और मैं सभी स्कूल्स को, सभी पेरेंट्स को यही निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका ग्रूमिंग किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए और इनको मौके दिए जाएं ताकि ये बच्चे बहुत अच्छा कर गुजरें. नहीं, मैं एडवाइजर तो नहीं कहूंगा अपने आप को, मगर मैं जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान भर में छेड़े हैं कि उनकी वजह से बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो मैं भी अपने आप को, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा है, इसलिए मैं भी अपने आप को उसका पार्ट बनाते हुए और उसमें कंट्रीब्यूट करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो कॉल है उस कॉल को हम सक्सेसफुल बनाएं और उनके जो प्रोजेक्ट्स जो हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं उसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रधानमंत्री का जो कॉल है बहुत सारे सोशल इश्यूज पे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इशू है, स्किलिंग इंडिया का इशू है, इन सब चीजों पे प्रधानमंत्री को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा भारत रहने के लिए मिले, देखने के लिए मिले.